नमस्कार, बीट सेकेंड ईयर थर्ड पेपर और हम लोग बात कर रहे थे शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है उसके अंतर्गत जो अध्याय है उसकी बात कर रहे थे, जो 7 अध्याय है उसके अंतर्गत हम लोगों ने 5 अध्याय पढ़ लिए। आज हम 2 अध्यायों के बारे में बात करेंगे। इसमें 6ठा अध्याय है बाल अधिकारों का संरक्षण। बाल मतलब बच्चों के लिए जो अधिकार बनाए गए हैं उसका संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो बच्चों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उनका संरक्षण कौन करेगा और किस प्रकार उसका संरक्षण किया जाएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत इस अध्याय में इस अध्याय में बाल अधिकारों का दिशा निर्देश बताए गए ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर है बाल अधिकार। अब जो इसका कार्यभार है किसी को हो गया है तो वो है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय एवं राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत समीक्षा करेंगे। देखिए, इसका मतलब यह है कि जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है उसके प्रावधानों के अंतर्गत गठित राज्य एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है वो निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त मतलब कि इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रीय और राज्य संरक्षण आयोग है उसको जो कार्य इसके अनुसार दिए गए हैं उसके अतिरिक्त ये इस अधिनियम जो कि बाल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम है उसमें
जांच करेंगे, तो आप शिकायतों की जांच करेंगे, ठीक है। तो जांच का कार्य में किसी मतलब कि अब इन अधिकारों को कौन नहीं मान रहा है, मतलब कि निःशुल्क तो अनिवार्य शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए की गया प्रावधान किया गया, उपरोक्त शिकायत है, उपरोक्त समस्या
करने के लिए विशेष नियम बनाए जा सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है उससे संबंधित नियम बनाए जा सकते हैं। इन नियमों के आधार पर ना तो किसी बालक को प्रवेश के लिए मना किया जा सकता है और न ही किसी बालक को शिक्षा पूरी होने से पूर्व है और न किसी बालक को शिक्षा पूरी होने से पूर्व निकाला जा सकता है। ठीक है, फिर इसके अंदर भी एक बात कही गई है, उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात होती है तो क्या हुआ, उनके खिलाफ जो शिकायत की हमने बात करी जो छठे अध्याय के अंतर्गत, तो उस प्रकार की कार्रवाई उसको बालक के ऊपर, मतलब जो बालक से भेदभाव करेगा उस पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि वो नियमों का उल्लंघन है। नियम ये बताया गया है कि बालक से भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यदि किया जाता है तो उसके अधिकारों का हनन हो रहा है यहाँ पर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। फिर है अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकते हैं देखिए ये कहा है अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, मतलब केंद्र है वो अपने नियमों को देगी, राज्य है अपनी सुविधा अनुसार उन नियमों का पालन करेगी, और जो स्थानीय प्राधिकारी है वो अपने स्थानीय जो व्यवस्था है उसके अनुसार उन नियमों का पालन करेगी। ठीक है, तो ये अपने अनुसार नियम बना सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जिस नियमों को बनाए तो हो सकता है कि राज्य में उन नियमों पर कुछ बदल
वालों कार्य करने वालों पर विधिक विधिक कार्यवाही विधिक कार्यवाही को भी विधेयक में निषेध माना गया है देखो मैंने समझो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब ये राज्य सरकार है केंद्र सरकार है स्थानीय प्राधिकारी है जो प्राधिकारी कहते हैं प्रशासन है ठीक है वो लोग अगर कोई नियम बनाते हैं तो अगर ऐसे भी कुछ कठोर नियम भी होते हैं कि जिनकी अनुपालना करने के अंतर्गत जो क्योंकि इनकी पालना कौन करेगा अभिभावकों को करनी है शिक्षकों को करनी है ठीक है और विद्यालय जो प्रशासन है उनको देखना है इस चीज के अंतर्गत जो समाज है ठीक है जो प्रशासन समुदाय है उनको इस बारे में देखना क्योंकि उनसे ही मिलकर तो इन कार्यों को हम सिद्ध कर सकते हैं यदि अगर अभिभावक कहे हम बच्चे को विद्यालय नहीं भेजेंगे तो क्या आप विद्यार्थियों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दे सकते हो तो नहीं दे सकते तो उन्हीं को इन चीजों की पालना करनी है तो जो केंद्र राज्य और प्रशासन है स्थानीय वो इन नियमों को बनाएगा तो उन पर कोई भी जो कार्रवाई
वर्णन किया। ठीक है, अब आपको ब्लैक आईड पीस मेरे साथ ही जो